हेलो चैंपियन, मजा आ रहा है? लगे रहिए, आपके प्रॉफिटेबल और मुनाफेदार व्यापार की बिल्डिंग में, उस प्रोसेस में मैं आपका भागीदार बन रहा हूं। इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूं और आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपके भलाई के लिए मैं चाहूंगा कि जो भी असाइनमेंट्स, जो भी बातें मैं कर रहा हूं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। सारे रूटीन को आप फॉलो कीजिए सो दैट कि जल्दी से जल्दी आप अपने बिजनेस को शुरुआत करें और उसको प्रॉफिटेबल बना सकें। आज इस वीडियो में थोड़ी सी ज़रूरी बात करनी है, जो कि कोर्स के शुरू होने से, जो कोर्स के व्यापार वाले सिस्टम यानी स्किल वाले कंटेंट से पहले हम बात करने जा रहे हैं। जब आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस के लिए अपने आपको तैयार करना है, और ये वीडियो मैं कुछ कड़वी सच्चाई आपके व्यापार और उस व्यापार को करने के दौरान हुए संघर्ष, चैलेंजेस की वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर असर आएंगे, उनके लिए मेंटली तैयार करने के लिए आपसे बात करने जा रहा हूं। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, उनकी जीवन को बेटर करने के लिए, उनकी लाइफ में अच्छी लग्जरी, वैभव, सुगमता और फैसिलिटीज लेकर आने के लिए आप चाहते हैं कि अच्छी इनकम लेकर आएं। आपके सपने भी हैं एक अपना व्यापार करने का, क्योंकि व्यापार करके आप तरक्की करेंगे, पैसा आएगा और वो आपके परिवार के ही काम आएगा। इस थिंकिंग से आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो या कर चुके हो, लेकिन होता क्या है कि बिजनेस कर रहे आप होते हैं और कई बार उस बिजनेस में जब फाइनेंशियल क्रंच होता है या बिजीनेस आपकी होती है, समय नहीं दे पाते, इतने पैसे भी आप कमा रहे हो लेकिन फैमिली के लिए समय नहीं होता, तो वहाँ आपका परिवार और आपकी परिवार का जो आपके साथ सामंजस्य है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। पैसे की कमी की वजह से तो कलेश होंगे, घर में कलह होगा, वाइफ, मदर, फादर वो आपसे वाद विवाद करेंगे, और जब पैसे की आवक बहुत ज़्यादा है लेकिन आपका समय नहीं है तो हो सकता है आपके रिश्ते, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप मैरिड हैं, और बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई, उनकी आपके प्रति जो प्यार, जो भावना है और जो आपके साथ उनका एक कनेक्शन होना चाहिए एज अ फादर या मदर, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको इस तरह का चूज़ करें कि वो आपके पैशन के करीब हो, यानी आपको जो चीज़ आसानी से आए, जो इंटरेस्ट में हो और दुनिया उसका पैसा देने के लिए तैयार हो, वो आप काम चूज़ कीजिए। पैशन की किस तरह से आप सर्च करें, क्या है आपका पैशन, वो अगले वीडियो में आ रहा है। तो उस वीडियो पर जाने से पहले यहाँ पर हल्का सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, पीछे भी एक वीडियो में दिया है। जब आप काम करेंगे अपने पैशन के एरिया में तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपके बच्चों का प्यार, उनकी किलकारी, आपकी वाइफ का साथ, उसका प्यार, आपका मैरिड जो प्लेजर है, वो सब बहुत ज़रूरी हैं आपको मानसिक रूप से एक सेटिस्फैक्ट्री एहसास दिलवाने में। एक अंदर से संतुष्टि हर चीज़ की होती है, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, देन ओनली यू कैन वर्क इन अ फोकस्ड मैनर ऑन योर बिजनेस। दो चीज़ें हैं, वर्किंग इन द बिजनेस एज वेल एज वर्किंग ऑन द बिजनेस। इस पर डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो व्यापार पर काम करना, व्यापार में काम करना, दोनों पर ही आपको इकट्ठा करना है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी फैमिली और आपकी बिजनेस, इन दोनों लाइफ के अंदर बैलेंस थोड़ा सा बनाकर रखने की आपको पूरी कोशिश करनी है और अपने आप से ये प्रण करना है कि मैं अपने बिजनेस को इस तरह से समय के खंडों में, द सेक्शन ऑफ टाइम में डिवाइड करूँगा उसकी एक्टिविटीज़ को, कि मेरी फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब ना हो या उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपनी निजी जिंदगी से। मेरा बड़ा बेटा जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के टाइम से लेकर जब तक कि वो 2 साल का नहीं हो गया, मैंने अपने ऑफिस का समय, वर्किंग जो है, जब वो सोकर सुबह थोड़ा लेट उठता था, छोटे बच्चे लेट उठते, तो मैंने तब तक अपने घर से ही अपने लैपटॉप पर लग जाता और अपने एम्प्लॉइज़ को इंस्ट्रक्शन वगैरह भेज देता। जब मेरी वाइफ अपने जॉब से लौट कर आती दोपहर में तो उनको वो संभाल लेती, उसके बाद में मैं लगभग 3 बजे ऑफिस जा पाता। लेकिन 3 बजे से लेकर मेरी टीम तैयार थी, उनको पता था, उनको मैंने वेल इन्फॉर्म किया
और कई बार जब उनकी छुट्टी होती थी मेरी वाइफ की तो मैं जल्दी चला जाता था, तो 3 बजे से लेकर फिर उस टीम के जाने के बाद 9-10 बजे तक मैं बैठकर आता और अपने ऑफिस के काम को निपटाता। तो मेरे बिजनेस को उतना फ़र्क नहीं पड़ा जो कि मेरी एब्सेंटिज्म से हो सकता था। एज अ बिजनेस ओनर जब आप हैं और जब आपकी फैमिली लाइफ डिमांडिंग है तो आपके साथ में ये चैलेंजेस आ सकते हैं कि आप जब ऑफिस नहीं जा रहे तो आपके एम्प्लॉयज़ आपकी एब्सेंस को नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं, आपके बिजनेस को हार्म पहुंचा सकते हैं, शायद वो समझ ना पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ सकती है। ये चैलेंज इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा, जब भी सैटरडे संडे या जो भी छुट्टी का दिन होता, मेरी कोशिश होती कि मैं अपने बच्चों को जहाँ भी उनको जाना है वहाँ उनको ले जाता, मेरा फ़ोन चालू रहता, अगर मुझे कोई कॉल्स आनी है, क्योंकि बिज़नेस में आपका कभी भी कस्टमर कॉल कर सकता है, और ये बात थोड़ा सा आपने अपनी फैमिली को भी थोड़ा समझा कर रखें कि हल्का सा कोई कॉल आए तो उसको आप अटेंड ज़रूर करें कोई क्लाइंट, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा क्लाइंट को आप थोड़ी देर में कॉल कर रहे हैं, समय निकाल कर कॉल करें। लेकिन जब फैमिली के साथ हैं तो कोशिश कीजिए कि फैमिली के साथ हैं तो उनको ही समय दें। यकीन मानिए, फैमिली को दिया हुआ समय, घर में बिताए हुए वो खुशी के पल आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और आप अपने बिजनेस में शांत मन से एक प्रफुल्ल और सेटिस्फाइड दिल से जब जाते हो ना तो अच्छा काम कर पाते हो। अदरवाइज आप इधर की खिंचावट और इधर की खिंचावट दोनों में रबड़ की तरह खिंच जाओगे और आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। सो परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माता पिता, रिश्ते और कुछ अच्छे से दोस्त, इन लोगों से संवाद, इनसे रेगुलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं ढंग से। कारण फैमिली का बता दिया आपको, दूसरा दोस्तों का। कई बार ऐसा वक्त आएगा जहां पर आप अपनी बिजनेस में परेशानी में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं शायद आप समझ नहीं पा रहे, या आपका मन मूड ऐसे ही ऑफ है और उस चीज़ को आप अपने परिवार पर वजन वो देना नहीं चाहते, वो स्ट्रेस फैमिली को नहीं देना चाहते। उस केस में कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके चड्डी बड़ी हैं, बचपन के दोस्त हैं, चाइल्डहुड बड़ी हैं, उन लोगों के साथ आप बात कीजिए, उनको शेयर कीजिए, जिनको कोई आपसे जलन ना हो, जिनकी आपसे आपके बिजनेस से कोई लेना देना ना हो, ताकि आपको वो सही बेबाक राय दे सकें, बिल्कुल स्वच्छंद राय दे सकें और आपके जीवन को थोड़ा बेटर करने में, मूड को हल्का करने में मदद कर सकें। साथ ही साथ कई बार फैमिली फाइनेंशियल जो है आप साथ ही कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको बिजनेस में आ सकती है। उस समय पर कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ फैमिली, कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको पैसे की ज़रूरत को भी पूरा कर सकें, आपको लोन दे सकें बिना ब्याज के या ब्याज पर, जैसे भी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आपको इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे मदद मिली है। मैं उन सभी मेरे मित्रगणों का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का धन्यवाद हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ। हमेशा उन्होंने मेरी हाथ बढ़ाकर मदद की और कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल क्रंच के टाइम पर, सिचुएशन को उन्होंने हमेशा संभाला। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बड़ा मदद मिलती है, आप मतलब खड़े रहते हो, आपको फील होता है कि यस मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिजनेस में कई बार टफ टाइम्स आएंगे, बहुत दुश्मन बनेंगे, तो आपको तैयार करना है अपने आप को टफ टाइम्स के लिए, तैयार करना है आपका अपने आप को कैश क्रंच के लिए, अपने आप को तैयार करो बहुत सारे दुश्मनों के एक साथ वार के लिए, अपने आप को तैयार करो लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, विवादों के लिए, झगड़ों के लिए, अपने आप को तैयार करो मकान मालिक के तानों के लिए, अपने आप को तैयार करो अपने परिवार के रिश्तेदारों के ताने और उनकी उपहास भरी नज़रों के लिए जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है दोस्त। अगर आप अपने आप को सोचते हो तैयार नहीं कर पाओगे और आप कमजोर हो जाओगे, इन बातों से आपको बहुत फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है, तो बिजनेस की बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप इतने कमजोर हो मन से कि लोगों की ताने, लोगों की उपहास वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं और दुनिया क्या कहती है इस बारे में आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, छोड़ दो बिजनेस का ख्याल, अपने दिमाग से निकाल दो। बिकॉज बिजनेस के लिए आपको चिकना घड़ा बनना है, आपका सपना है, वो सपना पूरा करके आप इन सबकी मुंह बंद कर सकते हो, इस बात का विश्वास आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, कच्चे दिल वाला आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, ये लड़ाई है। और अभी तक जो सारे वीडियोस आप देख रहे हो यहाँ पर, सारी जो बातें आपको लग रहा है कि केवल कोरे ज्ञान की हैं, तो मैं बता दूं कि जितनी तलवार पहनी करके जाओगे लड़ाई के मैदान में, उतने ज़्यादा दुश्मनों के सिर एक वार में काट के आ जाओगे और अपनी जान बचाओगे और विजयी बनकर आओगे। नहीं जीत पाएगा कोई तुमसे अगर तुम्हारी तलवार में है धार, और वही तलवार है तुम्हारा ब्रेन, और वही तलवार है तुम्हारी माइंड और उसकी शार्पनेस। अपने माइंड को इतना कंट्रोल में रखो, अपने माइंड को इतना मजबूत बनाओ कि सिचुएशन, परेशानी, इकोनॉमी की स्लो डाउन
और कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल बांका ना कर सके, चाहे कितने रिसेशन आ जाए, चाहे कितने चैलेंजेस आ जाए, प्रोजेक्ट डिले हो जाए, 10 एम्प्लॉयज तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए, तुम्हारा दुश्मन आकर तुम्हारे कैंप में घुसकर तुम्हारे एम्प्लॉयज को ले जाए तुमसे चुरा कर, उसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। इतना मजबूत दिल का जब बन लोगे तब तुम बनोगे रणबांकुरे और वो विजयी वीर अपने इस बिजनेस के मैदान के, क्योंकि ये व्यापार ये धंधा एक जंग है मेरे दोस्त, ये जंग है। जिंदगी तो जंग है ही, ये धंधा भी जंग है और ये धंधा उससे ज्यादा फियर्स जंग है। इस जंग में तुम्हें अपने हथौड़े, अपने हथियार, अपना माइंड, अपने टूल्स, अपनी शार्पनेस, डिप्लोमेटिक स्किल्स, वो सब तैयार करके रखने हैं। जब तक तुम्हारे पास ये टूल्स नहीं है, धार नहीं है तुम्हारी तलवार में, तुम खाक जीतोगे इस मैदान में? तुम जाओगे बिना तैयारी के, बिना इस मेंटल स्ट्रेंथ के, कोई भी तुम्हें कुछ भी बात कह देगा तुम सुसाइड कर लोगे। कोई भी परेशानी आएगी, रिसेप्शन आएगा, तुम थोड़े से कर्ज में जाओगे तुम सुसाइड कर लोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, नर्वस ब्रेकडाउन कर लोगे। इस बात के लिए बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हो तुम, ये याद रखना। और अगर ये कोर्स तुमने ज्वाइन किया है तो मैं तुम्हें कभी भी मानसिक रूप से कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम उससे सुनना सर मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। नो, यू विल नेवर फेस दिस सिचुएशन इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, टिल यू आर अंडर माई गाइडेंस। ये कोर्स न सिर्फ आपको बिजनेस के टूल्स रखने सिखा रहा है, बल्कि आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके एक मजबूत इरादों से मजबूत बुलंद इंसान बनाने की तैयारी कर रहा है। कौन कहता है कि आपको जीत नहीं मिल सकती? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कितनी बार हारोगे, कितनी बार प्रोजेक्ट पे तुम नेगेटिव मिलेगा तुम्हें रेस्पॉन्स, 10 बिजनेस फेल होंगे, 15 साल भी तुम बिजनेस में फेल हो गए, हिम्मत मत हारना। अब्राहम लिंकन का सोचोगे 40 साल की उम्र तक क्या क्या झेल लिया उसने, वाइफ उसकी चली गई, हर इलेक्शन हारा और आखिर में उसने हिम्मत रखी। कितनी बार लोगों ने मैदान में हारने के बावजूद बार बार अपना करेज को मस्टर अप करके, अपनी हिम्मत को दोबारा से मजबूत करके कमर कस के आए मैदान में और आखिर में वो जीत गए। कौन रोकेगा तुम्हें? कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखो, अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपने सपनों पर विश्वास, इसको कभी मत डगमगाने देना। यू कैन डू एवरीथिंग विद योर लॉर्ड who is giving you strength every minute, every month. You are getting stronger day by day. And with this gut, determination and the power of your dreams and your courage, you can do this miracle of creating a $1 million profitable business. You can do it. See you on the top. All the best.